लुब्धक, लुब्धक, लगता है घर पे नहीं। पूरे पाटलिपुत्र में हमने ढूंढ लिया है, केवल ये एक स्वामी शेष था जिससे हमने उस युवक के विषय में नहीं पूछा था। बाहर पता कर। सुनिए श्रीमान, मुझे लुब्धक नामक व्याध से भेंट करनी थी, परंतु लगता है घर पर नहीं। मैं भालू की खाल बेचता हूँ, सुना ये बहुत अच्छे दाम देता है। दाम? कुछ समय पश्चात कटोरा लेकर मार्ग पर भीख मांगता दिखेगा वो, क्योंकि आज उसके सारे दासों को मार दिया जाएगा। कहाँ है वो? महल गया होगा अपने अंत को अपनी आंखों से देखने के लिए। वो बालक देश की धरोहर है भैरव, उसके प्राण अत्यंत मूल्यवान, हमें कुछ भी करके उसके प्राण बचाने होंगे। सम्राट का समय नष्ट मत करो, शीघ्र बताओ कि विश्वासघाती कौन है, अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अमात्य, यहाँ कोई मुर्गी चोरी नहीं हुई है। इतने बड़े सम्राट का इतना बड़ा शीश चोरी हुआ है, थोड़ा तो समय लेने दीजिए। क्षमा कीजिएगा सम्राट, आप क्या कह रहे थे मैं सुन ही नहीं पाया। ये आपके चोटी वाले मंत्री महाशय अचानक ही बीच में बोलने लग गए। क्षमा कीजिएगा सम्राट, क्षमा क्षमा। भ्राता, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मूर्ख कब से इस स्वर्ण शीश से बातें कर रहा है और हम इसे देखे जा रहे हैं। क्यों? कैसी बात कर रहे हैं आप महाशय, ये कोई साधारण प्रतिमा का शीश नहीं है। मगध के ईश्वर सम्राट धनानंद का शीश है और ईश्वर की प्रतिमा से भी सम्मान से बात की जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं शीश की ओर ध्यान ही न दूं? मेरा तात्पर्य वो नहीं था भाई। मन की भक्ति ही भक्त को भगवान का संकेत समझने की शक्ति देती है। सात लोग सात अंगूठी, चोर कौन मैं अनजान, मैं भी तो हूं नहीं कि खाली हाथी प्रमाण उत्पन्न कर दूं। बता दिया, मेरे भगवान की प्रतिमा की चीज ने बता दिया कि कौन है वो अपराधी।